हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दशनाई क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनल प्रताप और हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिवीजन वन का लेक्चर हमने देखा, अब रिवीजन लेक्चर नंबर टू देखेंगे रिवीजन का, और देखेंगे कि कैसे हम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट है, एंड देखेंगे कि कैसे उनको डील करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज हम लेक्चर टू करने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले हम, लेक्चर टू, रिवीजन लेक्चर टू है हमारा। ठीक है, लेक्चर वन होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, लेक्चर टू की बात करेंगे और लेक्चर टू में देखेंगे किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है, दो मिनट की, क्वेश्चन नंबर वन में है। क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट गिवन बिलो, फ्रॉम द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट गिवन बिलो, predict which is most stable complex. A, पहला आपको दे रखा है Cu2+NH3 whole 4 2+। ठीक है, कांस्टेंट है आपके पास, K क्या है इसका 4.5 × 10^11, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बी ऑप्शन बी क्वेश्चन, Cu2+ Cn- gives us Cn4 2 - K 2.5 2.5 × 10^-27। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास, Cu2+ plus 2En gives us Cu En whole twice 2+, और साथ में है K 3.0 × 10^-15। ठीक है, और डी ऑप्शन यहां पर लिख लेते हैं, है ना। डी ऑप्शन यहां पर लिखते हैं, डी है आपके पास Cu2+ plus 2H2O, ठीक है, गिव्स अस Cu H2O 4 2+। ठीक है, और साथ में दिया है K = 4.9 × 10^8। ये आपको दिया है और आपसे पूछा गया है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो बहुत आसान सा फंडा है कि जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होगा, उसका रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगा या वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा होगा। तो के की वैल्यू किसी ज्यादा ऑटोमेटिकली अगर आपको देख रहा हो तो के की तो ये ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट से ध्यान देना। पहला चीज कि आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी है, आपको ये नहीं सोचना कि CU के साथ NH3 लगा दें, K के साथ MN3 लगा दें, कुछ भी उल्टा सीधा लगा दें और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बेटा एग्जामिनर इंटेलिजेंट है, वो फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन को भी देखो ना, तो इस क्वेश्चन में उसने वैल्यूज देखी, चलो वैल्यूज भी हटा देते ना, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहां पर उसने मेटल सेम रखा है, सिर्फ वेरी क्या किया है, लिगेंड वेरी किया है। तो अगर वो अगर आप ये चीज समझें और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आपको उल्टे सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करना है। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है कि वो उल्टा सीधा कुछ भी देके फिर तुमसे पूछ लेगा कि इसका आंसर बता दो। वो कोई ना कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी रखेगा जहां पर कुछ चीजें मैच कर रही होंगी, कुछ चीजें अनइवन होंगी या कुछ चीजें चेंजेस कर रही होंगी, और उन्हीं चेंजेस के बेसिस आपको आंसर बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिगेंड चेंज कर दिया, ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि CU के साथ हम NH3 लगा देते हैं, MN के साथ हम CN लगा देते हैं, K के साथ हम यहां पर हम SSC ले लेते हैं, मतलब स्कैंडिनेवियम ले लेते हैं, उसके साथ CN लगा देते हैं, अब बताओ क्या स्टेबिलिटी होगी। बेटा ऐसे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी खुद एग्जामिनर को भी नहीं पता होगी, क्यों, क्योंकि उसके लिए तो वैल्यू चाहिए, उसके लिए तो रिएक्शन चाहिए, वो वैल्यू ढूंढ के थोड़ी लाएगा। तुम्हें रटने का नहीं सिखा रहा एग्जामिनर, तुम्हें क्या सिखा रहा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना सिखा रहा है। और अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट लगाना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आंसर सही होंगे। अब बात यहां पर आ जाती है कि तुम
एग्जामिनेशन में तुम सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करते हो, तुम ये एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन में, तुम एग्जामिनेशन से पहले ये बेवकूफी करते हो कि तुम अतरंगी से सवाल करते हो, कोशिश करते हो कि कोई अजीब से सवाल मिल जाए। बेटा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। अगर तुम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे, आंसर निकलेगा। पहला फंडा, उल्टे सीधे क्वेश्चन पे मत जाओ, उल्टा सीधा दिमाग मत लगाओ। पहला एग्जामिनेशन तुम्हारे दिमाग क्या चलता है कि ये एग्जाम क्वेश्चन इतना सिंपल कैसे हो सकता है, हम तो बहुत डिफिकल्ट करके आए थे। तो किसने बोला था डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, हमने तो सिंपल वाले बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे बेसिक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तुम लोगों ने अपना ही दिमाग लगा के सोचा कि अतरंगी क्वेश्चन आएगा, ये एडवांस है। अगर पास ये क्वेश्चन अभी 2020 में जो पेपर हुआ है अगर उसको देखोगे ना, तो खुद समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछा है, करे कराए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर वही गलत होंगे बेटा तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने, अतरंगी दिमाग अतरंगी चीजें करने मत बैठना। क्यों? क्योंकि वहां पर ना देखो बाकी टॉपिक्स में करो, केमिस्ट्री में खासकर इनऑर्गेनिक में अतरंगी चीजें नहीं करनी, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उन्हीं बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए समझ आई। ठीक है, अब चलो अब यहां से एक मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं स्टेबिलिटी वाला, कि स्टेबिलिटी किस बेसिस पे देखी जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी किस बेसिस पे देखी जाती है, देखो जो स्टेबिलिटी का फंडा है, देखते जाओ जो स्टेबिलिटी का फंडा है वो तीन चार चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, मेटल पे चार्ज कितना है, ठीक है, मेटल पे चार्ज। दूसरा, लिगेंड कौन सा लगा है। तीसरा, आपका मेटल पे चार्ज लिगेंड, आपका चिलेटिंग लिगेंड, तो चिलेटिंग लिगेंड तो इसी में आ जाएगा, रेजोनेंस कर लो, है ना, रेजोनेंस। और चौथा आपका आखिरी वाला स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तो हर केमिस्ट्री के पार्ट का पार्ट है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, ये तो एक्स्ट्रा कुछ है। ठीक है, ये तो तुम ऑटोमेटिकली समझ लो। अब बात इन तीन में आती है। ठीक है, मेटल चार्ज, ठीक है, मेटल चार्ज से पहले हम लिगेंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिगेंड में हमने पढ़ा है दो टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो, दो टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। अभी मैं क्लासिकल और नॉन क्लासिकल की बात कर रहा हूं। ठीक है, दो टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। ठीक है, और क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, क्लासिकल में कौन आता है, सिंपल NH3 जो सिर्फ डोनेट करते हैं, NH3 F-, ये सारे किस्म आते हैं क्लासिकल में आते हैं। नॉन क्लासिकल में कौन आते हैं, नॉन क्लासिकल दो टाइप में डिवाइड होता है, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, ये भी पढ़ा होगा, और पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, ये भी पढ़ा होगा। ठीक है, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, और पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, ये दोनों चीज आपने पढ़ी हुई। सिग्मा डोनर कौन है, जो पहला बॉन्ड, जैसे CO है तो पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बना है, मतलब पहली बार बॉन्ड बनाया तो सिग्मा डोनर कहलाएगा। और फिर जब मेटल उसको डोनेट करेगा तो पाई एक्सेप्टर भी हो गए, है ना, तभी इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलते हैं इनको, पाई एसिड लिगेंड। ये सारे के सारे जितने नॉन क्लासिकल होते हैं पाई एसिड लिगेंड क्यों बोलते हैं, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब किसी भी चीज को एक्सेप्ट करोगे, किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, वो एसिड कहलाएगा या बेस कहलाएगा, बिल्कुल एसिड कहलाएगा। डोनर बेस कहलाता है, एक्सेप्टर एसिड कहलाता है। तो क्या है, पाई एसिड लिगेंड, ये सारे के सारे क्या है, पाई एसिड लिगेंड। तो क्या होता है कि मेटल को CO ने डोनेट किया और फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इस तरह से आपके पास, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। वैसे तो उसको सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता है कि इसने डोनेट किया और इसके इस तरह से बॉन्ड बना। ठीक है, ये आपके पास बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो मैं क्या आपके पास, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ठीक है, ऐसी पाई डोनर पाई एक्सेप्टर क्या होता है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ये होते हैं जीसस सॉल्ट, पढ़िए सबने जीसस सॉल्ट में क्या होता है, पीटी को डोनेट करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड टू पीटी, है ना, जीसस सॉल्ट ये तो होती है, है ना, और फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगा तो वो उसको डोनेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई डोनर, इधर से पाई को पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसने जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो पाई की फॉर्म में किया है, तो ये हो जाएगा पाइक्स, ये हो जाएगा पाई एक्सेप्टर, है ना, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, चलिए, तो दो टाइप को हो गए यहां पर, है ना, सिग्मा डोनर पाई। ठीक है, अब इन दो, मतलब देखो, अब देखो ये कितने बॉन्ड्स बना रहे, ये दो बॉन्ड्स बना रहे, बेसिकली कितने बॉन्ड्स बना रहे, दो बॉन्ड्स, और ये कितने बॉन्ड बना रहा है, एक। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्यों, क्योंकि दो बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड, उस कंपाउंड को, मान लो तुम्हारे पास लगा हुआ है MCO और तुम्हारे पास लगा हुआ है MNH3, किसको तोड़ने में डिफिकल्टी आएगी, दिखने से तो ये सिंगल बॉन्ड है लेकिन तुम्हें पता है यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है और यहां पर एक और पाई बॉन्ड बन रहा होगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में डिफिकल्टी आएगी, और इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान समझो, क्लासिकल नॉन क्लासिकल है, ठीक है, तो इनको, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो हम किस हिसाब से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्लासिकल लिगेंड है,
मान लीजिए मेरे पास क्या है, क्लासिकल लिगेंड, मेरे पास क्या है, क्लासिकल लिगेंड। अगर मेरे पास क्लासिकल लिगेंड है तो क्लासिकल लिगेंड में क्या होगा, उनकी बेसिसिटी पे, उनकी बेसिसिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना आसानी से वो डोनेट करेंगे उतनी तो उतने ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो लिगेंड के उसमें आपके पास क्या है, जितना ज्यादा अगर क्लासिकल लिगेंड्स है तो जितनी ज्यादा बेसिसिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सेकेंड आपके पास रहता है नॉन क्लासिकल। अब नॉन क्लासिकल किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन क्लासिकल दो चीज पे, एक डोनेशन पावर और एक एक्सेप्टेंस पावर। ठीक है, कहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कितने जल्दी डोनेट कर रहा है और कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी जल्दी डोनेट कर रहा है कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो जैसे सीओ का सबसे ज्यादा होगा, फिर सीएन का होगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यह आपका डोनेशन एक्सेप्टेंस पावर। जैसे जैसे डोनेशन पावर इंक्रीज होगी, सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे एक्सेप्टेंस पावर इंक्रीज होगी, दोनों डबल बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे वो डबल बॉन्ड इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर आ जाता है प्लस चिलिटिंग। चिलिटिंग चिलिटिंग कैसे होता है, ईएन है ना, ईएन, दिस इज चिलिटिंग। ठीक है, अब इसको डोनेट करो, ये चिलिटी लिगेंड हो गया। अब देखो, अगर देखो ध्यान से देखोगे तो इस लिगेंड को हटाने के लिए मेरे को दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने हैं, तो ये तोड़ने क्या होगा, मुश्किल होगा, ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाएगा, दो सिग्मा बॉन्ड। तो ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आते हैं, चिलिटिंग लिगेंड्स बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाते हैं। क्यों, क्योंकि इस लिगेंड को हटाने के लिए आपको दो सिग्मा बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है ना। चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो इस बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है मेटल। अब मेटल में ठीक है, अगर देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं, अगर मेरे पास क्लासिकल और चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, तो चिलेटिंग लिगेंड्स आर यूजुअली क्लासिकल लिगेंड्स होंगे, तो यहां पर जितनी ज्यादा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो उतनी आसानी से उस जो लिगेंड होगा उतनी आसानी से उसको डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि उसे पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी खींचेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर मेटल के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतनी आसानी से लिगेंड डोनेट कर रहा है, और जितनी आसानी से लिगेंड डोनेट कर रहा है उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। तो क्लासिकल और चिलेटिंग में तो चल जाता है, लेकिन नॉन क्लासिकल में फंडा नहीं चलता। नॉन क्लासिकल में फंडा क्यों नहीं चलता, देखो अगर मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और मेटल माइनस और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बोनाइल तो आराम से बॉन्ड इधर डोनेट करेगा, इधर डोनेट करेगा। अब दूसरा बॉन्ड भी तो बनना है, दूसरा बॉन्ड कौन स्ट्रॉन्गर बना पाएगा, ये वाला। क्यों, इससे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो वो डोनेट कर सकता है सीओ को, जबकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो इसकी डोनेशन कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। जबकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है इस मेटल के पास, तो आसानी से डोनेट करेगा, तो क्या होगा, इसका जो सेकंड बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ओवरऑल जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जबकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होगी, ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें। तो जब नॉन क्लासिकल लिगेंड की बात करते हैं, तो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में क्या होता है कि मेटल पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज या मेटल पे जितना ज्यादा लेस पॉजिटिव चार्ज, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है या उतना ही स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो ध्यान से रखना, क्लासिकल वाले के लिए अलग, नॉन क्लासिकल वाले के लिए अलग, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग बनेगा। ठीक है, चलिए लास्ट रेजोनेंस। रेजोनेंस एसिटाइल एसिटो एसिटेट एसीएसी, इसमें रेजोनेंस होता है तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आती है, तो हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है ना रेजोनेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये आपके चार फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, और ये चार फैक्टर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट कुछ कंपाउंड्स, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या आपके पास, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल द सीओ बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट इन, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल्स, अमंग द मेटल फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल्स द सीओ बॉन्ड ऑर्डर, सीओ bond order is lowest in A, A क्या है MnCO6, plus B, B
वी क्या है, वी सी ओ माइनस, सी ओ सिक्स माइनस, सी क्या है, सी आर सी ओ सिक्स, ठीक है, और डी क्या है, एफ ई सी ओ फाइव, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी आपकी मेटल कार्बन है, एफ ई सी आर ओ फाइव नहीं करते, एफ ई सी आर ओ सिक्स ही करते हैं, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, है ना, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा गया कि किसकी मेटल कार्बोनाइल सीओ बॉन्ड सबसे कम है, लोएस्ट है, सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसको देखने का तरीका समझना बेटा, देखो जब हमारे पास मेटल होता है तो मेटल के पास आपके पास बॉन्ड बना रहा है सीओ, ये बॉन्ड बना है, जो दूसरा बॉन्ड बना वो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस से बनता है, तो जितनी ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही आसानी से डोनेट करेगा, उतना ही ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, और जितना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा ये वाला, उतना ही तीसरा बॉन्ड वीक होता जाएगा, उतना ही तीसरा बॉन्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सीओ कितना होता है, थ्री, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कार्बन ना चार ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की कैपेसिटी कितनी है, चार बॉन्ड बनाने की, तो अगर यहां पर तीन बॉन्ड है, यहां पर ओरिजिनली तीन बॉन्ड है और यहां पर एक बॉन्ड है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इसने चौथा यहां पर बॉन्ड बनाना शुरू किया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, विच मींस मेटल जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा उतना ही कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, ये बात समझ आती है, मेटल जितना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा उतना ही कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। अब मेटल कब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकता है, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो आसानी से उसको डोनेट करेगा, और जब वो उसको आसानी से डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो तुम्हें बस वही चीज देखनी है कि कौन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है। अब नंबर ऑफ, पहले सबसे पहले चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी में कम ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होंगे उसकी डोनेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वहां से सिंपल हो जाता है, देख ले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Mn पे 24 इलेक्ट्रॉन्स, V पे 24 इलेक्ट्रॉन, Cr पे 24 इलेक्ट्रॉन्स और Fe पे 24 इलेक्ट्रॉन, अब सब पे 24 इलेक्ट्रॉन्स है, क्यों, Mn पे प्लस 1 चार्ज है, Cr पे माइनस चार्ज है, जीरो चार्ज है और प्लस 2 चार्ज है, ठीक है। तो अब ध्यान समझना कि अगर मेटल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो किस बेसिस पे करोगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, विच मींस अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो आसानी से कार्बन को डोनेट करेगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो बस बेसिकली आपको देखना है मेटल की कार्बन यहां पर क्या है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, विच मीन क्या, बाकी सब में पॉजिटिव है तो उनकी डोनेशन कैपेसिटी कम होगी, जबकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डोनेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जब ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, VCO। अब यहां से उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किसकी है, तो वो इसकी होगी, अगेन जहां पर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो गई वहां पर मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है कि वो वाइस वर्सा चलेगा, या तो मेटल कार्बन निकाल लो तो कार्बन ऑक्सीजन निकाल लो, दोनों में से जिसका निकालोगे उसके बेसिस पे आप डिफाइन इसको कर सकते हो, ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ठीक है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखो COEN ठीक है, सामने है पी क्यू आर एस पी, ये क्या बोला गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन
देख सबसे पूछा गया है डायमैग्नेटिक नेक्स्ट आपके पास है D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन और पैरामैग्नेटिक ठीक। अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना आंसर क्या होगा। देखो चिलेट लिगेंड वाला सबसे पहले आप कर सकते हो क्योंकि चिलेट लिगेंड आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो डायरेक्टली देख लो टी किस पे लगा है, ठीक है सिंपल, दिस इज टी दिस इज टी, तो ये दोनों चिलेट लिगेंड है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली टी सामने आ जाएगा, है ना, इन दोनों के ऑटोमेटिकली टी सामने आ जाएगा कि दोनों में चिलेट लिगेंड है, तो नीचे वाला वैसे चिलेट लिगेंड नहीं, ठीक है। चलिए अब CO2+ है ना, CO CO मतलब अगर CO में 2 प्लस है, अगर CO में 2 प्लस है EN तो न्यूट्रल होता है, तो विच मींस ये क्या होगा D7, और अगर D7 होगा तो D7 याद रखो बेटा D7 ऑक्टाहेड्रल में चाहे कैसा भी लिगेंड लगा दो वो हमेशा क्या बनाएगा, वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या sp3d2 ही बनाएगा। ऐसा क्यों देखो, स्प्लिट किया, अगर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी लगाया है तो ये पेयरिंग तो करवा देगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां छूट जाएगा। अब ये dsp2d तो बन नहीं सकता, sp3d तो बन नहीं सकता, ठीक है, तो क्या बनेगा sp3 तो बाहर वाला ही कॉम्प्लेक्स बनाता है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भी लगा डालो, क्योंकि d7 है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को नीचे तो फिट कहीं करा सकते, नीचे कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है, तो क्या होगा ये हमेशा ही sp3d2 ही बनाएगा। तो d7 की खास बात रखो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हमेशा क्या बनेगा sp3d2। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, बहुत रेयरिटी वाला केस है, ठीक है, कुछ ही जगह पर होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये नहीं है, ठीक है। तो अगेन टी हो गया इसका, पी हो गया इसका sp3, ठीक है। चलिए डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है तो कभी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, या हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल दी। पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या हो जाएगा s, tps, पहले वाले का क्या हो जाएगा tps। चलिए नेक्स्ट टी हमने निकाल दिया ऑक्सीडेट, ठीक है। अगेन अब यहां पर ध्यान से देखना, ये है +3, ये है +3, विच मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और जब कोबाल्ट में +3 आता है तो फ्लोरीन के राइट हैंड साइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड के जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और OX फ्लोरीन के राइट हैंड साइड पे ही आता है, ठीक है। OX इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये सारी पेयरिंग करवा देगा इस तरह से, ठीक है। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो ये दो एम्प्टी छूट गए, D6 है, देखो CO3+ मतलब D6, CO3+ मतलब D6, है ना, तो ये देखो ये एम्प्टी छूट गया, ये एम्प्टी छूट गया, तो यहां पर D2SP3 आ जाएगा, तो टी के साथ ये आर आ जाएगा, और सारे के सारे क्या हो गए, ये पेयर हो गए, तो क्या हो जाएगा पैरा डायमैग्नेटिक, तो क्यू, तो टी आर क्यू, आंसर क्या होगा आपका टी आर क्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट COH2, तो अगेन 2+, अगेन क्या है 2+ अगेन, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये तो बन ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा पी, ठीक है, sp3d2 है ना, वीक फील्ड लिगेंड, साथ में पैरामैग्नेटिक रह जाएगा तो एस। अच्छा लास्ट CO, यहां पर क्या होगा अगेन 2 3+, अगेन क्या है 3+, अगर 3+ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देगा D6 को सबको क्या करा देगा पेयर करवा देगा, तो पेयर करवा देगा तो क्या बना देगा डायमैग्नेटिक बना देगा Q, और क्या हो जाएगा D2SP3 R QR, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और उससे आपके आंसर सारे के सारे निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन आपके पास NiCl2 KCN HCl कॉम्प्लेक्स A, ये बना। नेक्स्ट आपके पास NiCl2 KCl XS कॉम्प्लेक्स बी, ठीक है, ये बना, ठीक है। द क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स आर, ये क्वेश्चन पूछा गया था किस साल IIT में, मैं डायरेक्टली करता है बेटा, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। देखो
यहाँ पर सी एन यूज कर रहे, तो सी एन इज स्ट्रॉगर फील्ड लिखे देन सी एल, तो सी एन जल्दी अटैच होगा देन सी एल, तो सी एल को हटा देगा और खुद लग जाएगा, है ना, सी एल को हटा देगा खुद लग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा एन आई सी एन फोर टू प्लस टू माइनस वन, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके सारे सी एल हटा दिया खुद एक्सेस में तो लग गया, लेकिन यहाँ पर तो सी एन है नहीं एक्सेस में, तो यहाँ पर तो सी एल ही लग पाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एन आई सी एल फोर टू माइनस, देखो यहां पर सी एन फोर टू माइनस, यहां पर सी एल फोर टू माइनस। अब इसका तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो देखो ये क्या है डी एट, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने डी एट के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ तो क्या बनता है, डी एट के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है विद हाइब्रिडाइजेशन, विद हाइब्रिडाइजेशन डीएसपी टू, विद हाइब्रिडाइजेशन डीएसपी टू, है ना। और डी एट के साथ अगर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स लगाओ, अगर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स लगाओ तो क्या होता है टेट्राहेड्रल बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है विद हाइब्रिडाइजेशन sp3, विद हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो बेसिकली उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2, तो सिंपल सिंपल बोल सकते हो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन एक की होगी और एक की होगी sp3, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ऑप्शन की जरूरत आपको डेफिनेटली नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस देख बता देता हूं आपको स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, है ना, और उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइसोमेरिज्म मतलब आप जितना पढ़ोगे उतना प्रैक्टिस करोगे उतना ही नेसेसरी होगा, ठीक है। पहला एम ए थ्री बी थ्री टाइप्स, एम ए थ्री बी थ्री टाइप्स, एम ए थ्री बी थ्री टाइप्स हमेशा क्या होगा, या तो फेशियल होगा, है ना, या फिर मेरिडोनियल होगा, और दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दोनों ही ऑप्टिकली क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं। देखो फेशियल कैसे बनता है, जब सबके साथ एक साथ, अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, क्यों, अगर देखो बी आउटसाइड द पेन ए इनसाइड द पेन, ऐसे कट करूं तो ए और बी, बी और बी, बी और बी, है ना, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरिडोनियल कैसे बनेगा, मेरिडोनियल इस तरह से बनेगा, ये अब देखो इसको प्लेन के थ्रू रखो तो ए इधर ए इधर, ठीक है, दिख रहा है, ये सारे के सारे ये चार जो हैं प्लेन में मानो, तो ये इधर से रह जाएगा, अब ए ऊपर, ए ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गई ऑटोमेटिकली। अब यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान समझना, एक चीज बता दो, तुम्हारे पास मेटल है, तुम्हारे पास इस तरह से लिगेंड लगे हुए हैं, किसी भी लिगेंड में अगर एक के अपोजिट दूसरा आ जाए सिमिलर वाला तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, चाहे किसी भी उसमें हो चाहे कहीं भी लगाओ, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिमिलर हैं, तो किस तरह से भी देखोगे तो चार प्लेन में दो आउट ऑफ द प्लेन आएंगे, क्योंकि अब देखो हो सकता है ये ए ए यहां पर अपोजिट में होता है, ये जैसे ये है, क्या है, सॉरी यहां पर एक चीज गड़बड़ हो गई, यहां पर बी, ठीक है, ये अब ये आपको लग रहा होगा प्लेन में नहीं है, या आप ये मतलब कुछ अजीब सा होगा, लेकिन अगर आप इसको इस प्लेन के थ्रू काटो जहां पर ये चार हैं और ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है, तो ऑटोमेटिकली वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट करेगा, बट आपको एग्जामिनेशन में ना एकदम से नहीं दिखेगा, ध्यान रखो कि जहां भी ए और ए या ऐसा सिमिलर वाले अपोजिट में आ जाए, ठीक है, सिमिलर वाले अपोजिट में आ जाए तो हमेशा क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, हमेशा क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ये है ए ए बी बी, जैसे यहां पर बोले ए ए बी बी, अगर ऐसा भी हो जाए तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों, देखो बी आउटसाइड द प्लेन ए इनसाइड द प्लेन, ऐसा हो सकता है ना, ये वाला बी आउटसाइड द प्लेन, ये वाला ए इनसाइड द प्लेन, अब अगर प्लेन से तो मैं इस तरह से काटूंगा तो ए बी का बी ए का ए, बी का बी ए का ए, देखो कट गया कि नहीं कट गया, प्लेन ऑफ मिरर बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर ऐसा कहीं पर बन जाता, मान लो यहां पर एक्स है यहां पर वाई है, तो तुम्हें दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पता ही चलेगा कैसे बन गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों और ये दोनों है, तो आप क्या करोगे इस x को आउटसाइड द प्लेन, इस y को इनसाइड द प्लेन और ऐसे कट करो, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अब दिक्कत यहां पर क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एग्जामिनेशंस में हमें वो इमेजिनेशन ही नहीं होता कि सारे के सारे मतलब दो आउटसाइड द प्लेन और चार इनसाइड द प्लेन, अब तुम इधर से देखोगे तो अलग दिखेगा, इधर से देखोगे तो अलग दिखेगा, बट अगर तुम ध्यान से देखो ना तो दो आउटसाइड द प्लेन और चार इन द प्लेन रहते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन से देखो, बट होता क्या है क्योंकि आपको पेपर में है 3D इमेज, आप 2D में बना रहे हो तो डिफिकल्टी आएगी आएगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें, एक अगर कोई भी एक दूसरे का सिमिलर वाले एक दूसरे का अपोजिट आ जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है, अगर दो इस तरह से वाले सिमिलर आ जाए तो तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें डेफिनेटली है, ये दोनों चीजों का ध्यान रखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने में आपको आसानी होगी। चलिए फिशियल मेरिडोनियल हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंड एम ए ए होल क्यूब, ठीक है, ये कभी भी हो जाए,
तो ये हमेशा क्या ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा क्या ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये कभी भी हो जाए। ये क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास एम ए ए होल टू और बी बी इस तरह से कुछ बन जाए, और ये ना सिस फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में, ठीक है, तो तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तब ये ऑप्टिकली डेफिनेटली एक्टिव होगा, ठीक है, तब ये डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एम ए थ्री आए या एम ए टू, ए टू ए ए टू बी 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 आए, तब भी ये ऑप्टिकली क्या है, सिस फॉर्म में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए अब यहां पर मैं एक चीज देता हूं, देखो एम ए बी टू, अब ये अलग हो गया, एम ए बी थ्री, सॉरी एम ए बी थ्री, ये अलग हो गया थोड़ा सा। अब इसको कैसे करोगे, देखो अगर इसको ध्यान से देखो ना तुम, तो ये ना दिखता कैसा है, ये फेशियल मेरिडोलो की जैसे दिखता है, एम ए थ्री बी थ्री, एम ए थ्री बी थ्री, तो बनाओगे कैसे देखो, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, है ना, बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव डेफिनेट होगा, ठीक है। एक तो ये बन गया, अब ध्यान से देखना, एक एपिसोड में बी, बी के एपिसोड में बी, एक एपिसोड में ए। अब क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहां पर हम वो चीज नहीं देखेंगे कि यार एक एपिसोड में ए आ गया तो प्लेनर सिमेट्री हो जाएगी, नहीं, बाइडेंटेट लिगेंड में वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो यहां पर देखो ये दोनों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, हमें कैसे पता चलेगा, ए बी के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में, सब में बी के अपोजिट में ए आ रहा है, अगर इसको देखो तो बी के अपोजिट में आ रहा है, ए आ रहा है, बी के अपोजिट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहां पर कहीं भी बी के अपोजिट में बी नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस कुछ इस तरह से बन सकते हैं, अगर आप तुम ध्यान देखना, फेशियल मेरिडोनियल ही है, देखो कैसे, देखो अगर तुम ध्यान से देखना चाहो तो ये फेशियल मेरिडोनियल की तरह ही दिखेंगे आप, ठीक है। देखो ए ए, देखो ये तीन दो एक साथ और ये अलग, ये दो एक साथ, ये अलग, ये किसमें बनता है, मेरिडोनियल में बनता है। और फेशियल में क्या होता है, फेशियल ये देखो ये तुम्हें दिखने को नहीं दिख रहा है फेशियल में, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो, अगर तुम्हें दिखेगा ध्यान से, समझना बात, ये आउटसाइड द प्लेन है, एक आउट, ए वाला ए आउटसाइड द प्लेन है, और ये ना इधर की साइड है, ये तो बी तो नहीं पीछे की साइड, तो बी को हटा दो, बी को हटा दो, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ए आउटसाइड द प्लेन, और ये तीन ए, एक बाहर, एक ए इधर, एक ए इधर, तीनों एक साथ दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ट्रायंगल फेस में दिख रहे कि नहीं दिख रहे, है ना, देखो एक यहां है, तो ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, और फेशियल में भी ऐसा ही ट्रायंगल बनता है, फेशियल में भी ऐसा ही ट्रायंगल बनता है ना, इस तरह से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि इस सिमिलर तरीके दिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकली एक्टिव है, दो बनते हैं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एम ए टू बी टू सी टू, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो कैसे बने, देखो कैसे बनाना है, तुम्हारे पास मेटल है, ठीक है, पहली चीज करो कि ए के अपोजिट में ए रख दो, तो क्या हो जाएगा, बी क्या, बी इधर सी इधर, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, आप तुम बोलोगे सर ये भी तो पॉसिबिलिटी, उसमें बी के अपोजिट भी आ जाए, बिल्कुल हो सकती है, मैं लो मैं कर देता हूं, बी के अपोजिट में बी कर दो, ए इधर सी इधर, सी इधर, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। चलिए एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से समझो, देखो ए के अपोजिट में ए, ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है, ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में बी, इसी तरह से पॉसिबिलिटी होती है। अब क्या करो, अब चेंज कर दो, अब कैसे चेंज कर दो, अब कर दो यहां पर बी के अपोजिट में बी, बी के अपोजिट में बी, ठीक है, बी के अपोजिट में बी लाओगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, ए इधर सी इधर, सी इधर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, है ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, यहाँ कहीं मैच कर रहा है, देखो तुम बोलोगे सर ये बी के अपोजिट में बी है तो ये भी बी के अपोजिट में बी है, बट यहां पर बेटा सी के अपोजिट में सी है, यहां पर सी के अपोजिट में सी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एम C के अपोजिट में C लग दो, ठीक है, इधर A के अपोजिट में A रहने दो, C के B के अपोजिट में B रहने दो, B के इधर B रहने दो, है ना, इस तरह से, ठीक है। अगेन C C के अपोजिट में C, यहां पर C के अपोजिट में C है लेकिन कहीं पर B के अपोजिट में B है, नहीं यहां पर B के अपोजिट में B नहीं है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट M क्या रखोगे, A के अपोजिट में B, B के अपोजिट में C और C के अपोजिट में A, ये भी कहीं नहीं है, ठीक है, ये भी कहीं नहीं है, तो पांच डिफरेंट टाइप के बने आपके पास, पांच डिफरेंट टाइप के बने। अब कोई से भी एक्स्ट्रा बना के देखो, देखो मैं कोई से भी बिना देखो, मैं देखूंगा नहीं, मैं बिना देखे कुछ भी बनाने की कोशिश करूंगा, वो पांचों से ही मैच करेगा, एम ए बी सी ए बी सी, ठीक है। देखो मैंने ये बनाया, मैंने बनाया, ध्यान से देखना,
बी के अपोजिट में बी दिख रहा है तुम्हें, तो बी के अपोजिट में बी कहां कहां है, एक तो यहां बी के अपोजिट में बी है और एक यहां बी के अपोजिट में बी है, दो जगह, ठीक है। फिर ए के अपोजिट में सी बनाया, तो ए के अपोजिट में सी दिया, फिर दूसरा ए के अपोजिट में सी बनाया, दूसरा ए के अपोजिट में सी बनाया, तो ये दोनों क्या है, सेम है। अब एग्जामिनेशन तुमसे अगर पूछ ले जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो तुम थोड़ा कंफ्यूज होगे, यार ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्योंकि इसमें कहीं भी प्लेनर सिमेट्री नहीं दिख रही, बट बेटा ये तो यही है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहां तो ऑप्टिकली एक्टिव तुम्हें दिखेगा, देखो यहां से कट करो, बी बाहर ऑटोमेटिकली प्लेनर सिमेट्री दिखेगी नहीं दिखेगी। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से ओरिएंट करके तुम्हें दिया जाता है ना एग्जामिनेशन, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया जाता है। समझने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या है कि अगर बी के अपोजिट बी, अब देखो तुम यहां पर देखा ना, बी के अपोजिट में देखो, बी के अपोजिट में बी आ रहा है, तो तुम ऑटोमेटिकली बोल देते कि यार ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, ये तो इनएक्टिव है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखो ए के अपोजिट में ए है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ए के अपोजिट में ए है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बी के अपोजिट में बी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, सी के अपोजिट में सी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसमें किसी के अपोजिट है नहीं, है ना, कोई प्लेनर सिमेट्री बन रही है, तुम बोलोगे सर ऐसे प्लेनर सिमेट्री सी के अपोजिट सी, लेकिन यहां तो बी के अपोजिट ए है, तो ये प्लेनर सिमेट्री नहीं बन रही, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस तुम्हें ना बेसिक चीजों का ध्यान रखना है और उन बेसिक चीजों पे आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।